अभी क्या ये 20 लीटर का गीजर है। इस 20 लीटर के गीजर में मैं सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, हल्की सी छोटी सी समझाने के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना इसमें, क्या हुआ है ये थोड़ा सा ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो गया था, और ट्रिपिंग की वजह से इसमें क्या हुआ पूरा हमको सर्विस कर देंगे। हम इसको सर्विस कैसे करते हैं गीजर की, ये सामने का ढक्कन खोल कर ये सारी वायरिंग हम हटा देंगे फटाफट। हटा के हम आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, और ये बना के फटाफट हम आपको समझाते चलेंगे। ये खोल के ये हमने पूरी वायरिंग हटा दी, हम इसको वायरिंग भी इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, और इसको खोल के हम साफ़ करेंगे, दिखाएंगे आपको ये कैसा गंदा था। अभी इसके अंदर से कुछ ऐसी गंदगी निकली, अभी हमने ये हीटर भी बाहर निकाल लिया पूरा, और बाहर निकाल के इसको ऐसे साफ़ करके लगा देंगे। देखिए इसमें कम से कम ये आधा किलो के आसपास गंदगी निकली हुई, मगर हमारा हीटर सही है, इसको हमने टाइम पे सर्विस कर लिया तो ये बच गया, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना हमको, अंदर चेक कर लेना, यहाँ पर देखिए अंदर एकदम साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारा गीजर में क्या है, ज़्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी दिक्कत थी ये ट्रिप हो गया था ओवरलोड से, और हमारा प्रॉब्लम किस चीज़ का दे रहा था ये, यहाँ पे ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग क्यों दे रहा था, ये हीटर की वजह से ये ट्रिप कर रहा था, हमारे एक जगह गंदगी फंस गई थी, तो हमारा ये हीटर बच गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको फटाक से वापस सेट कर देंगे, जैसा था वैसा का वैसा ही इसको हम सेट करेंगे फटाफट, और बिना से फटाफट सेट कर देंगे। देखिए इसको साफ़ करके, जो ओरिंग को साफ़ करके डालें आप, कि पानी लीकेज वगैरह ना हो, ठीक है। इसको पूरी साफ़ कर लें और साफ़ करके डाल दें दोबारा, क्योंकि एक लंबे खर्चे से हम बच गए इसका मतलब, ठीक है। अभी ये कुछ इस तरीके से ऐसा बैठ जाएगा, देखिए ये हमारा बैठ गया। अब ऊपर से हम इसकी प्लेट बैठा देंगे, जैसे हमने खोली थी वैसी की वैसी, ये ध्यान रखें आप, मार्किंग ज़रूर कर लें इस पर, ठीक है। देखिए ये प्लेट हमारी हम बैठा देंगे, और फिर इसको सेट करके हम चला के दिखाएंगे आपको। देखिए हम फटाफट ये नट कसते जाएंगे, और नट कसते टाइम एक ध्यान आप ये रखें कि क्रॉस क्रॉस में नट कसें, जैसे ये वाला कस दिया तो ये वाला कसें, ये वाला तो ये वाला, ऐसे कसें तो क्या होगा, इससे पैकिंग जो किट थी ना हमारी वो बराबर प्रेस रहेगी और बराबर दबी रहेगी, तो हमको दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है, लीकेज का दिक्कत हमारे साथ होगा नहीं, ठीक है। हम ये वीडियो पूरा फटाफट कर लेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि गीजर में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। देखिए फटाफट हम इसको कस लेंगे, सारे नट कस के फिर आगे बढ़ते। अभी ये सारे नट कस लिए हैं, अब नट कसते टाइम एक ध्यान रखें, अर्थिंग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें इसमें, जैसा हमने अर्थिंग लगा दिया ना वैसा अर्थिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गीजर में अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या अपन ने इसका यहाँ पे पूरे एक टाइट कर लिए, पूरे टाइट करके अब एक एक वायरिंग के बारे में अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मेन खेल होता है वायरिंग का। देखिए वायरिंग में हमारा सबसे पहले आया है यहाँ पे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल क्या करते हैं, न्यूट्रल आप एक किसी भी टर्मिनल पे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे दे दें, ठीक है, न्यूट्रल का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आया हमारा फेज़, तो फेज़ को इस ओवरलोड के थ्रू लेंगे, कहाँ पे न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चला गया, अर्थिंग यहाँ पे लगाई दिया। अर्थिंग लगाना आप गीजर में बिल्कुल ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि ये हमारा सेफ्टी पॉइंट होता है। अब हमारा फेज़ आएगा, तो फेज़ हम कहाँ पे देंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे ओवरलोड प्रोटेक्टर पे हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये हमारा प्रोटेक्ट भी करता है और ओवरलोड पे ये ट्रिप भी हो जाता है, कभी कभी पूरा गीजर खोल के हमको सिर्फ ये बटन दबा के रीसेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आगे की वायरिंग देखिए, ये थर्मोस्टेट दिख रहा होगा, थर्मोस्टेट में आपको दो वायर दिख रहा होंगे, दो वायर, एक आने वाला एक जाने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट से एक, ये इसके आउटपुट से एक वायर हम इसको ले लेंगे, किसको ले लेंगे, हमारे हीटर को, और लेंगे कौन सा ये ध्यान रखना, जिसमें देखिए ये लाल बत्ती का तार जुड़ा है, ये लाल वाली बत्ती का तार क्या हमको दिखाएगा, मेन सप्लाई। तो यहाँ से ये वाला, ये कौन सा, ये वाला ये दिख रहा है हीटर का, ये थर्मोस्टेट का, ये लाल बत्ती वाला, ये इससे हम यहाँ लगा देंगे। तो हमने यहाँ लगा दिया, हमें इससे क्या पता चलता रहेगा, हमारी पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब आपको ये नीली बत्ती वाला तार, जिससे नीली बत्ती जुड़ी, यानी इसका आउटपुट किसका, थर्मोस्टेट का आउटपुट आपको यहाँ पे लगा देना है ऐसे, तो क्या होएगा, अब जब वहाँ हीटर ऑन होगा तो ये हमारा थर्मोस्टेट का बल्ब भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी गीजर की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई और गीजर भी रिपेयर हो गया, ठीक है। अभी हम इसको चला के भी दिखाएंगे, मगर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें हीटर अभी पानी कम है, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फिर भी हम चला के इसको। देखिए हमने ऑन कर दिया, तो क्या हो गया, अभी हमारा मेन सप्लाई ऑन दिखा रहा है। हम जैसे ये थर्मोस्टेट घुमाएंगे तो क्या होगा, ये हमारी हरी वाली बत्ती भी ऑन हो जाएगी, देखिए ये ऑन हो गई, यानी हमारे हीटर में अभी सप्लाई चली गई, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गई होगी पूरी वायरिंग कैसे करते हैं, इसकी सर्विस कैसे करते हैं, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बना। धन्यवाद साथी।